पिछले सेक्शंस में हमने इन्फ्लुनशियल रीजनिंग की बात की अब यूम डिस्क्राइब करेगा अदर सॉर्ट्स ऑफ रीजनिंग दैट स्प्रिंग फ्रॉम द सेम सोर्स कुछ फिलासफर्स यूम कहता है कि वो ह्यूमन रीजनिंग को डिवाइड करते हैं इंटू रैशनल एंड एम्पेरिकल इंटू नॉलेज एंड प्रॉबिलिटी फिर ये फ़िलासफर्स ए प्रायर नॉलेज को बेसिस लेते हैं फॉर ऑल ऑफ आर अंडरस्टैंडिंग लेकिन हमारी जो प्रेजेंटेशन है इस किताब में यहाँ पे हमने डिस्कस किए हैं कॉजल रिलेशन बेस्ड ऑन सेंस एक्सपीरियंसेस ए पोस्टीरियर नॉलेज बिल्ड करने की कोशिश की है यूम ने जिसकी वजह से ये सेंस इन्फुलेंस इंस्टेंसिस ऑफ प्रॉबिलिटी हैं यूम फिर यही टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करते हुए कहता है कि वी रिकॉर्ड ऑल सच कॉजल नॉलेज टू रिजल्ट फ्राम एक्सपीरियंसेज जो हमें बताता है कि सर्टन कॉजेज़ विल प्रोबली को टू सर्टन इफेक्ट्स लेकिन कॉमन कॉन्वर्सेशन में हम जब कॉज एंड इफेक्ट की बात करते हैं हम उसकी दूसरी तरह से बात करते हैं क्योंकि हम सोचते हैं कि कॉजल रिलेशन बिटवीन आइडियाज़ समटाइम्स दे मे जस्ट बी मोर देन जस्ट प्रॉबल हम उनको सर्टन और नेसेसरी और कंटिजेंट की टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करते हुए उनकी बात करते हैं तो यूम इन्हीं तरीकों में इस टर्मिनोलॉजी को क्लेरिफाई करेगा जिस तरह हम नॉलेज प्रूफ और प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं नॉलेज के बारे में यूम कहता है कि हम नॉलेज हासिल करते हैं जब हम आइडियाज़ को कंपेयर करते हैं और हम कुछ एश्योरेंस डिराइव करते हैं उनके कनेक्शन के बारे में प्रूफ की बात करते हुए कहता है कि जब हम आर्ग्यूमेंट्स डिराइव करते हैं कॉजल और रिलेशन से तो हम प्रूफ्स प्रोड्यूस करते हैं और ये प्रूफ्स इंटायरली फ्री होते हैं फ्रॉम डाउट एंड अनसर्टेंटी और प्रोबेबिलिटी के बारे में वो कहता है कि अनसर्टन एविडेंस जो है उसका नाम है प्रोबेबिलिटी यूं पहले प्रोबेबिलिटी को एग्जामिन करना शुरू करेगा और वो कहता है कि हम प्रोबेबिलिटी को एक नाम भी दे सकते हैं रीजनिंग फ्रॉम कन्जैक्चर जिसकी दो टाइप्स होती हैं कन्जेक्चरल नॉलेज जो चांस पे बेस्ड होता है और कन्जक्चरल नॉलेज जो काजल रिलेशन पे बेस्ड होता है अब कॉजल नेसेसिटी और चांस कंटेंजेंसी की बात करते हुए यूम कहता है कि हम कुछ ऑब्जेक्ट्स एक्सपीरियंस करते हैं जो कॉन्सटेंटली कॉन्जॉइंड हमें नज़र आते हैं एक दूसरे के साथ और इस वजह से क्योंकि हम उनको हमेशा ही साथ परसीव करते हैं साथ देखते हैं तो हम उन्ही को साथ सोचते भी हैं जिसकी वजह से हमारे दिमाग में एक आइडिया पैदा होता है कॉज एंड इफेक्ट का लेकिन कॉजेशन हमें ये यकीन दिलवाती है कि कुछ रिलेशन है इन ऑब्जेक्ट्स के दरमियान जिसकी रियलिटी हमारे सामने है इट लीड्स अस टू बिलीव इन द रियलिटी ऑफ सम इफेक्ट। लेकिन इससे दूसरी तरफ चांस हमें ये कन्विंस करता है कि थोड़ा सा डाउट है कि ये इफेक्ट जो है ये इसी कॉज की वजह से आए कि ये इफेक्ट जो है ये प्री डिटर्मेंट आउटकम था चांस रिलेशन के अंदर जो कॉरिस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट है उसको हम कंटिजेंट कंसिडर करते हैं जबकि कॉजेशन में हम उसको नेसेसरी कंसिडर करते हैं सो so, हमें खुद डिसाइड करना पड़ेगा वेदर दिस रिलेशन एक्जिस्ट और नॉट तो सो फार यूम ने जो स्टेप्स टू आर आर्गमेंटेशन बताए हैं वह है कि कॉजेज नेसेसरि डिटर्मिन हैं लेकिन चांस आउटकम्स डिटर्मिन नहीं किए जा सकते हैं चांस मेरली निगेशन ऑफ कॉज है फिर हम देखते हैं कि कोई भी चांस ग्रेटर या लेसर नहीं हो सकता किसी और चांस से क्योंकि चांस सिर्फ एक नगेशन ऑफ कॉज ही नहीं बल्कि वो एक इंडिफरेंस है टू आउटकम डिस्पाइट अ टोटेलिटी ऑफ पॉसिबिलिटीज़ दस यूम कहता है वन निगेशन ऑफ अ कॉज एंड वन टोटल इंडिफरेंस कैन नेवर बी सुपीरियर और इन्फीरियर टू अनादर फिर रीजनिंग रिक्वायर करती है कि कोई नेसेसरी कोनेक्शन हो बिटवीन आइडियाज और ये जो नेसेसरी कोनेक्शन है ये हम ऑपटेन कर सकते हैं जब एक आइडिया दूसरे आइडिया के साथ कंटिन्यूली कनेक्टेड हमें नज़र आए हम इस कॉन्स्टेंट कनेक्शन को एक कॉज रिलेशन बोलते हैं हैंस यूम कहता है देर मस्ट ऑलवेज बी ए मिक्सचर ऑफ कॉजेज अमंग द चांसेस इन ऑर्डर टू बी द फाउंडेशन ऑफ एनी रीजनिंग अब पॉसिबिलिटी की बात करते हुए यूम कहता है कि वी बिलीव मोर लाइकली आउटकम्स बिकॉज देर आर मोर कॉमन पॉसिबिलिटीज दैट रिकॉल एंड कम्बाइन इन्फ्लुंस ऑन आवर माइंड रिजल्ट इसका यह है कि जो आइडिया हमें लगा कि ज़्यादा लाइकली है वो ज़्यादा विविड बन जाता है हमारी इमेजिनेशन में और इसकी वजह से हम इस पर ज़्यादा यकीन लाते हैं हम इस पर ज़्यादा बिलीव करते हैं अगर कोई भी चीज़ नेसेसरी है तो उसकी कोई और पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती है लेकिन अगर कोई चीज़ प्रॉबेबल है तो उसकी कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है जो इमप्रॉबेबल हो हम ये अल्टरनेट पॉसिबिलिटी एक्सपीरियंस करते हैं जब हम कोई कॉज एक्सपीरियंस करते हैं जिसके अनएक्सपेक्टेड इफेक्ट्स हों ईच वन ऑफ दिस प्रायर एक्सपीरियंसिस ऑफ एन अनिलस इफ़ेक्ट इज़ अ पार्ट नेट पॉसिबिलिटी तो प्रॉबिलिटी जस्ट लाइक पॉसिबिलिटी पार्ट से कंप्राइज होती हैं विच आर ऑफ द सेम नेर इन आदर केस यू में फिर कहता है कि जब एक्सपेक्टेड अफक्ट रिपीट करता है अपने आप को तो हमारी इमेजिनेशन में ज्यादा विविड बन जाता है जिसकी वजह से हम इस पर ज्यादा बिलीव करते हैं लेकिन इसी तरह ईच पास एक्सपीरियंस ऑफ द अनएक्सपेक्टेड इफेक्ट रीनफोर्स द फोर्स या फिर विवेसिटी ऑफ द आइडिया फॉर दल्टरनेट आउटकम तो इस वजह से ये कॉन्ट्ररी बिलीफ को भी साथ साथ एनहेंस करता रहता है लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक क्वांटिटेटिव डिफरेंस है बिटवीन द बिलीफ इन द पॉसिबिलिटी एंड द बिलीफ इन द प्रोबेबिलिटी क्योंकि ये दोनों क्वालिटेटिवली सेम है और ये सेम सोर्स और प्रोसीजर्स रिजल्ट करते हैं